hello everyone welcome back to super kalam this is class number 2 in the ethics crash course series there will be total 4 classes wherein we are going to completely understand the core of ethics we are going to help you in understanding the sense behind ethics why gs paper 4 has been put in place what UPSC requires or expects from you when it wants you to study GS Paper 4? What exactly is ethics? So far, we have completed the strategy session of ethics, how to cover ethics. Then, we have completed class 1, where we discussed the key terms in ethics. Today, in this class, there are four very important philosophers.

इन योर एथिक्स का पेपर आई डिस्कस की हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चन ये बहुत ईजी हो जाएंगे अगर आप सिर्फ समझ अपनी साफ कर लोगे अभी क्या होता है बिकॉज बी स्टडी एंड रीड सो मेनी थिंग्स आर माइंड सेट बिकम्स क्लटर्ड है ना वेन यू आर स्टिंग सो मेनी थिंग्स योर माइंड सेट बिकम्स लाइकवाइज वेन यू आर मीटिंग सो मेनी पीपल अगेन यूर माइंडसेट बिकम्स क्लटेड सो टू मेक श्योर की आपको एक क्लियर क्लैरिटी वाली अंडरस्टैंडिंग हो आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है ठीक है शुरू करें तो सबसे पहले लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली इज क्या है फिलोसफीज ठीक है फिलोसफीज अगर आपको समझ आ गया तो आप फिलोसफर्स को भी समझ जाओगे वॉट एग्जैक्टली इज फिलोसफी फिलोसफी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी राइट इट डाउन इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ जनरल ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल आई होप यू आर मेंटेनिंग योर एथिक्स का रजिस्टर एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू टॉपिक्स लाइक एग्जिस्टेंस और नॉलेज और सोल रीज़न फेयरनेस एटसेट्रा आपकी आत्मा के ऊपर जब आप सोचते हो आपकी एग्जिस्टेंस आपके वजूद के ऊपर जब आप सोचते हो अपने वर्चस्व के बारे में जब आप सोचते हो किसी भी लॉजिक को यूज करते हो तो वेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट वेन यू आर कंटेम्पलेटिंग ऑन इट फ्रॉम देयर फिलोसफीज कम अप दैट मीन्स डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फिलोसफीज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट परस्पेक्टिव और आउटलुक टूवर्ड्स थिंग्स दैट इज फिलोसफी ठीक है यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ सभी को एंड पीपल हुर गिविंग फिलोसफीज दे आर फिलोसफर्स ऑल्सो दे आर थिंकिंग अबाउट इट दे आर कॉन्टेप कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन इट तो इन हिंदी वी कॉल इट दर्शन शास्त्र ठीक है ये पॉइंट आपको याद रखना है नाउ बेसिकली जब हम बात करते हैं फिलोसफी की देर आर इन इंडिया ऑलसो देर आर सिक्स इंडियन फिलोसफीज वी हैव स्टार्टिड अबाउट इट इन आर्ट एंड कल्चर न्याय फिलोसफी सांख्य फिलॉसफी योग फिलोसफी वैशेषिका पूर्व मिमम्सा उत्तर मिमम्सा जो वेदांत फिलोसफी का पार्ट है Similarly, in the field of education, there is philosophy of existentialism, behaviorism, linguistic philosophy, progressivism, essentialism. These are different kind of philosophies in the field of education. In the field of metaphysical world, there will be different philosophies. So every different field of study has different set of philosophies because different people think differently. You know? When they are thinking alike, then they are coming up with their own perception of looking at things कोई लोग गॉड में मानते हैं कुछ लोग गॉड में नहीं मानते हैं कुछ लोग सोल में मानते हैं कुछ लोग सोल में नहीं मानते हैं तो सब इंसान के मानने के हिसाब से या पर्सपेक्टिव के हिसाब से अलग अलग बातें अलग अलग दर्शन निकल के आते हैं सामने एंड एन यूपीएससी यू हैव टू अंडरस्टैंड फिलोसफीज देन यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग यू डोंट हैव टू क्रैम इट ये नहीं कि समझ लिया रट लिया नहीं समझ के उसकी मीनिंग को उसके अर्थ पे थोड़ा सा कंटेम्पलेन करना है देन यू हैव टू

एंड दे विस्क यू टू एक्सप्लेन की प्रेजेंट कॉन्टेक्सट तो एज आई टोल्ड यू की फिलोसफी समझी फिर उसके मीनिंग को समझ के उसके एप्लीकेशन को समझना है क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल फर्स्ट कोटेशन वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी जी सिस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस आर बाई फार मोर पावरफुल्स बाउंग इन प्रेयर मतलब दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी डायरेक्ट जब आप काइंडनेस के छोटे छोटे एक्ट्स करते हो ना वेन यू आर शोइंग काइंडनेस और केयर और एम्पति टू समन दैट इज मोर पावरफुल देन जस्ट मेयरली बाउिंग योर हेड एंड प्रेयर सिर्फ जैसे पूजा कर लिया आप मंदिर सुबह हो आए और मंदिर से बाहर निकलते ही जो आपसे आपके सामने गरीब आया या कोई भी बच्चा आया जिसने खाने की कोई चीज मांगी उसको फटकार के ढुतकार के ढक्का देके आगे चले गए है ना दिस शुड नॉट बी डन सो हियर सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस इज मोर पावरफुल स में ज्यादा पावर है टेम्पल एंड डोनेशन स्टेपिंग आउट ऑफ द टेम्पल एंड निगलेक्टिंग द ह्यूमैनिटी एज एट लार्ज ओके तो एक एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया सो एथिक्स बेसिकली इज वेन यू स्टेप आउटसाइड योर कम्फर्ट जोन एंड यू लुक एट दर्ल्ड एंड यू अप्लाई दीज थिंग्स दैट यू आर स्टडिंग इन बुक्स और इन क्लासेज दैट इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एथिकल यू नो थिंकर और फिलोसफर वील स्टडी इज महात्मा गांधी जी अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान देना है ठीक है अगर आप समझते हो चीजें देन इट बिकम सुपर इजी फॉर यू टू राइट अबाउट इट और राइट अपॉन इट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास आई हैव अ सिंपल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट अपनी लिख कर ही दे देती हूँ सो वेन वी आर बिफोर वी आर स्टार्टिंग आर क्लास द रिक्वेस्ट इज वेरी सिंपल इन द लास्ट क्लास आई आस्ट यू वेरी हम्बली कि इफ देर विल भी हंड्रेड कॉमेंट्स ऑन दिस क्लास ऑन दिस वीडियो देन आई शेयर द पी डी एफ ऑफ द क्लास विच आई डेड हंड्रेड कॉमेंट्स जैसे ही पार हुए थे मैंने आपको पी डी एफ या नोट्स प्रोवाइड किए थे ठीक है बट टूडे आई विल नॉट बी आस्किंग यू टू कंप्लीट हंड्रेड कॉमेंट्स बट आई विल रिक्वेस्ट की शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स बिकॉज आई कैन सी स्टूडेंट्स आर नॉट शेयरिंग द नॉलेज दैट यू आर ग्रास्पिंग जितना शेयर करोगे उतनी आपकी नॉलेज ही बढ़ने वाली है है ना शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सेकेंडली इन दमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में मैं नहीं बोल रही हूं कि हंड्रेड कमेंट्स आएंगे तभी मैं नोट्स दूंगी नहीं बट इफ यू आर वाचिंग इट देन सिंसियरली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आउट ऑफ ऑल द फिलोसोफर्स दैट वी विल स्टडी टुडे विच वन इज योर फेवरेट ठीक है ये तो कर सकते हो इतना तो ऑनेस्टी के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो दिस इज जस्ट टू मेक यू मोर एंड मोर कंफर्टेबल इन स्टडिंग आप लोगों को समझ आए कि एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी की तैयारी में एंड यस yes, कि अगर इस वीडियो में लाइक्स टच कर जाते हैं अराउंड हंड्रेड तब तो नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको चाहे कुछ हो जाए ठीक है तो इसको कोशिश करना कि हंड्रेड लाइक्स इस वीडियो को मिल ही जाए ओके okay? चलो शुरू करते हैं पर ये वाला स्टेप जो है सेकेंड स्टेप ये इंपॉर्टेंट है ये तो करना ही करना है चलो लेट्स गेट स्टार्टेड सो व्हेन वी टॉक अबाउट महात्मा गांधी जी देर आर की कंपोनेंट्स ऑफ गांधी एथिक्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ दीज की कंपोनेंट्स आर इवन इन जीएस पेपर पेपर सो दिस इज क्लैशिंग विद ये आपके पेपर वन से भी क्लैश करता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फोकस किस पे होना चाहिए फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ दीज गांधी एथिक्स एंड हाउ टू यूज तो आई हेल्प यू इन अपलाइंग दिस ऑल्सो देन आई गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन ऑल्सो सो मेक श्योर कि यू वॉच दिस क्लास टिल द वेरी एंड बिकॉज होमवर्क तो करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए एंड यू हैव टू टेल मी योर स्कोर्स इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल उसके बिना नोट्स नहीं मिलेंगे वट एवर क्वेश्चन आई गिव यू टू प्रैक्टिस गेट इट ए वैल्युएटेड बाई सुपर कलाम एंड देन लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो सो so, महात्मा गांधी जी वॉज अ वेरी स्टॉन्च बिलीवर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वो हरि नाम का जाप किया करते थे और यही बोला करते थे कि सब हरिजन हैं सब हरी के ही बच्चे हैं हम सब हरी के बच्चे हैं ही ऑल्सो यूज टू कीप मोन व्रत एंड यू नो एट्सेट्रा टू अपलिफ्ट हिमसेल्फ स्पिरिचुअली नाउ टू सेट गॉड इज नॉट आउटसाइड ऑफ अस हमारे बाहर तो है ही नहीं गॉड

एंड दैट इज कोर फिलोसफी दैट शुड बी अ कोर फिलोसफी ऑफ अ सिविल सर्वेंट टू ऑल्सो है ना तो हम यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं देन ही टू टॉक अबाउट द सह सत्य सत्य अगेन मीन्स वॉकिंग ऑन दाथ ऑफ ट्रूथ दैट इज सत्य ग्रह एंड देन अनदर इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट वेन वी टॉक अबाउट गांधी जी इज स्वदेशी स्वदेशी मीन्स अपने देश का स्व मीन्स सेल्फ ओन Deshi nation, apane desh ka, whatever, because that will make you independent. So, during the freedom str struggle, also, we used to talk about applying Swadeshi component. Whatever you wear, whatever you produce, it should be of your own nation. That will make you less dependent on others, foreigners. And that will make you more dependent or independent on your own selves. राइट अब आप अपने ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होगे अगर आप स्वदेशी फिलोसफी को फॉलो करते हो बिकॉज इफ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन एल्स देयर विल बी जीरो चांसेज दैट समबडी कैन यूज यू और यह होता है इमोशनली ऑल्सो वेन यू आर डिपेंडेंट ऑन समन वॉट हैपन्स क्या होता है इफ यू आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन समन नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द केसेज यही होता है यू यू ग्रो योर एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड एनी लिमिट एंड द अदर पर्सन विल ब्रेक द एक्सपेक्टेशन बिकॉज आप उस पर डिपेंडेंट हो गए ना तो वो बर्डन उसके ऊपर भी आएगा दैट दिस पर्सन इज ओवरली डिपेंडेंट ऑन मी एंड वेन दी एक्सपेक्टेशन विल ब्रेक यू विल ब्रेक डाउन एंड यहीं से इतने सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज निकल कर आते हैं सो गांधी जी यूज टू ऑलवेज से नॉट जस्ट मटीरियली बट स्पिरिचुअली इमोशनलील्सो यू शुड बी इंडिपेंडेंट तो यहां पर आप देखोगे स्वदेशी के ही कितने सारे यूसेजेस कर मैंने आपको दे दिए देन यूज टू टॉक अबाउट ट्रस्टीशिप नाउ ट्रस्टीशिप एक ऐसी फिलोसफी थी दैट नॉट एवरी वन वॉज इन फेवर ऑफ इट ठीक है वाई बिकॉज ट्रस्टीशिप बेसिकली द मीनिंग ऑफ ट्रस्टीशिप मैन ओवर हियर दैट देयर शुड बी अ ट्रस्ट ओके विच शुड बी हैंडल्ड बाय रिच पीपल एंड जो भी पैसा इस ट्रस्ट में जाएगा वो लोग उसका यूज करेंगे फॉर अपलिफ्टिंग द दलनरेबल पीपल इन सोसाइटी ठीक है तो ये मीनिंग था ट्रस्टीशिप का एंड दिस वॉज बेसिकली नॉट एक्सेप्टेड बाई एवरी वन सो इट वॉज अ सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी राइट इट डाउन सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी प्रपाउंडेड बाय महात्मा गांधी जी बेसिकली इट प्रोवाइड मीनस बाई विच द वेल्दी पीपल वुड बी द ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट एंड दे लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल बट हियर इट वॉज सेट कि मेनी पीपल वर अगेंस्ट इट वाई बिकॉज दे सेल्दी पीपल दे बिकम यू नो ग्रीडी वॉट विल है थोड़ी है कि हर कोई हमेशा लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचेगा देर शुड बीक्वालिटी ट्रस्टीशिप नहीं होना चाहिए दैट वुड रेंडर वेल्थ इन इन देंड्स ऑफ ओनली फ्यू पीपल सो दैट इज वाई इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बट स्टिल ट्रस्टीशिप कैन बी यूटिलाइज बाई यू कैसे हाउ इट कैन बी यूज बाई यू Whatever wealth you are earning or your family is earning, you can utilize that money for the welfare of the people, for those who need it. Right? And very interesting component of Gandhian ethics, which I personally love, is bread labor. Suav Lambi Banna. Suav Lambi Ka Matlab Kya hota hai? I studied this word called Suav Lambi when I was in class 7th in Kathasarovar book. Suav Lambi means that you earn your bread by your by means of your own hard work. योर ओन हार्ड वर्क दैट इज द मीनिंग ऑफ स्वावलंबी आप अपनी मेहनत से जब कमाते हो अपनी मेहनत से जब रोटी कमाते हो दैट हैज एन एसेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट दैट अपलिफ्ट मोटिवेट्स यू टू वर्क फर्दर ये जो इंटरनल मोटिवेशन अपने काम से आता है ना अपने मेहनत से आता है वो बाहर से नहीं आएगा इफ आई मोटिवेट यू एक्सटर्नली दैट विल लास्ट फॉर टू डेज एट मैक्स बट इफ यू आर

और उतना ज्यादा उतनी हाई थिंकिंग होगी आपकी सो दीज वर एथिक्स वी कैन अप्लाई इन आवर अपलिफ्ट आवर सेल्फ स्पिरिचुअली इमोशनली फिजिकली मटीरियली ओके वी कैन गिव द ऑफ रतन टाटा सर सर रतन टाटा का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर हम ठीक है ये सारी थिंकिंग इन कॉम्पोनेंट के अप्रोक्सिमेटली नाइनटी फाइव परसेंट कॉम्पोनेंट तो आप डायरेक्टली सर रतन टाटा के अंदर देखोगे यू कैन कोट हिम एज वेल राइट चलो आगे बढ़ते हैं कमिंग ऑन टुवर्ड्स दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफर विच वॉज सोक्रेट्स अब जब हम इनकी बात करते हैं सोक्रेटिक मेथड की बात होती है यहाँ पर वॉट एग्जैक्टली इज दिस मेथड बट बिफोर दैट लेट इज अंडरस्टैंड देर इज अ सेट ऑफ पैराडोक्सेस ठीक है एक मैं आपको सेट ऑफ पैराडॉक्सेस बताती हूँ जो सोक्रेट्स ने निकाला था ठीक है सोक्रेटिक पैराडॉक्स uh, इसको बोलते हैं नाउ इट कैन बी यूज टू रेफर टू डिफरेंट काइंड ऑफ पैराडॉक्सिकल क्लेम्स बेसिकली यूज टू से नो दैट आई नो नथिंग अब यहां पर आप बोलोगे की वॉट एक्सैक्टली इज द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स ये पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लें ठीक है देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड हिस्स क्लेम्स ऑफ पैराडोक्सेज पैराडॉक्स का मतलब होता है सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टी स्टेटमेंट राइट इट डाउन सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट इज पैराडॉक्स उसी को बोलते हैं पैराडॉक्स ठीक है नाउ फर्स्ट पैराडॉक्स दैट यूज टू मेक वॉस नो दैट नो दैट आई नो नथिंग इतना जान लो कि मुझे कुछ नहीं आता ठीक है तो बेसिकली ये एक पैराडॉक्स हो गया ठीक है बेसिकली सोक्रेटिक इंटेलेक्चुअलिज्म का पार्ट है ये ठीक है द व्यू दैट नोबडी एवर नोइंगली डज रॉन्ग एक और एक पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा ठीक है अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ इन्होंने ये बोला कि पहले तो इन्होंने ये बोला कि ये जान लो कि मुझे कुछ नहीं आता देन उन्होंने बोला कि कोई बिना जान के कुछ गलत नहीं करता एक और इन्होंने स्टेटमेंट पास किया विच वॉज अ पार्ट ऑफ यू कैन से पैराडॉक्स ठीक है? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यूज टू कॉल हिज पैराडॉक्सिस एज सोक्रेटिक इग्नोरेंस ठीक है बट इन रियालिटी इट वॉज सोक्रेटिक विजडम वो बोलते थे मैं तो अज्ञान हूं ठीक नथिंग But that was a paradox. It was a contradictory statement because he was the one who knew everything. He was the one who taught the world how to live ethically. He was the one who helped the world in stimulating their critical thinking. He was the one who gave ideas to people. He was the one who clarified concepts. Inone sare myths tode the Inone logo belief system strong kiya tha. Okay? So, using his paradoxes, he used to first of all stay humble.

क्योंकि अगर आपने मान लिया कि आपको सब कुछ आता है इफ यू एक्सेप्ट दैट यू नो एवरीथिंग दैट मीन्स यू नो नथिंग इन रियालिटी बिकॉज देर इज नो वन इंडिविजुअल हु नोज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड जिसने बोल दिया कि मैं सब जानता हूं उसने बोल दिया कि यूनिवर्स लिमिटेड है यूनिवर्स इज नॉट लिमिटेड नॉलेज इज नॉट लिमिटेड इफ यू आर सेंग दैट आई नो एवरीथिंग दैट मीन्स यू नो नथिंग राइट दैट वॉज सोक्रेटिक पैराडॉक्स

मैं ब्रेड चुराने की कोशिश करूंगा मेरे लिए वो गलत नहीं होगा फॉर मी इट विल नॉट बी रॉन्ग बिकॉज आई एम एंड माई फैमिली इज हंग्री एंड वी डू नॉट नो हाउ टू अर्न कोई का नहीं है उस वक्त की भूख शांत करने के लिए मुझे सही लगेगा वो है ब्रेड चुराना और मैं वो चुराऊंगा ओके okay? सो so, वहां से ये लाइन निकल कर आती है सो सोक्रेटिक मेथड बेसिकली इज यूज फॉर एथिकल इंटेलेक्चुअलिज्म ज अजम्शन इट इज यूज टू अंडरस्टैंड वॉट एक्सैक्टली करते थे यूज टू से क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ आप रूट ऑफ ऑल इवल्स तक पहुंच जाओगे द मोर यू क्वेश्चन द मोर क्लोजर टू रियालिटी यू विल गो एंड यूज टू टॉक अबाउट यू डीनिया What is demonia? Demonia means living in accordance with one's true nature. Aap jo ho, aap us par true raho. Do not try to mimic anyone. Do not try to copy any thought. Do not try to live as per somebody else's perspective. If you want to live a flourishing life, if you want to live a happy life, you should live according to your own true nature. Stick to that and you will reach to the truth. Okay? अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिन्होंने जो, जो इन्होंने रेज किया था विच इज नोन एज मॉरल एप्सोल्यूटिज्म वॉट एग्जैक्टली इज मॉरल एप्सोल्यूटिज्म आर इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग एंड नो कॉन्टेक्ट और आउटकम कैन चेंज दिस कुछ एक्शन ना या तो सही होते हैं या गलत होते हैं आप तर्क वितर्क करके उन एक्शंस को पलट नहीं कर उसके आउटकम को चेंज नहीं कर सकते ठीक है उसको हम बोलते हैं मॉरल एप्सुल्यूटिज्म फॉर एग्जाम्पल डोंट किल इफ आई से डोंट किल यू कैन नॉट से अरे ये तो सही है इसमें तर्क नहीं दे सकते हो ठीक है कि ये गलत है ये सही है ऐसा नहीं बोल सकते इफ आई एम सेइंग डोंट किल देन देर देर शुड बी नो आउटकम अदर देन नॉट किलिंग जीव और अ पर्सन डू नॉट किल मतलब डू नॉट किल स्पीक ट्रूथ स्पीक द ट्रूथ दैट इज मॉरल एप्सोल्यूटिज्म यू कैन नॉट चेंज इट when I say keep your promises, be careful with what you say and do to others you cannot interpret it in other ways no ye absolute statement hai isko follow karna hi है आप इसमें right और wrong के पीछे का reason नहीं निकाल सकते नहीं मारना किसी को तो भाई नहीं मारना क्यों जबरदस्ती किसी को मार रहे हो क्यों झूठ बोलना है ठीक है पॉइंट क्लियर हो गया Yes सिचुएशन के हिसाब से चीजें चेंज हो सकती है बट आउटकम आप चेंज नहीं करोगे बोल दिया नहीं मारना तो नहीं मारना ठीक है पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक अगर मैं बोलू डू गुड एंड अवॉइड एंडल क्या आप इसको चेंज करोगे जल्दी से बताओ नहीं ऑब्वियसली नॉट इट इज स्टेटमेंट अच्छा करो गलत मत किया करो किसी के साथ ठीक है सो दिस इज मॉरल एप्सोल्यूटिज्मिकल प्रिंसिपल नॉट रेलेटिव दीज आर एपसल्यूट एंड वी आर हि टॉकिंग अबाउट एथिकल प्रिंसिपल्स ठीक है यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सो दिस वॉज सॉक्रेट्स ये थे हमारे सोक्रेट्स ऑल दी स्टेटमेंट्स दैट आई एम गिविंग यू यूपीएससी क्या करेगा यही स्टेटमेंट उठाकर आप, आप लोगों के सामने रखेगा और आपसे बोलेंगे कि इसको एक्सप्लेन करो फर्दर एज पर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट अभी जो चल रहा है उस हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया जाए अपूडेज जन्माष्टमी वेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस क्लास सो यू नीड टू स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ श्री कृष्ण ऑल्सो श्री कृष्ण ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट राइटियसनेस डिस्ट्रॉइंग द ईवल तो भगवद गीता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपोजिटरी हो जाती है उनकी थॉट प्रोसेस की राइट right? अच्छा इसी के चलते एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वेन बी टॉक अबाउट श्री कृष्ण ओके सो श्री कृष्ण इन गीता टॉक्स अबाउट टू वेज टू वेज टू लिव टू लिव अंसानी जीवन को जीने के दो तरीके होते हैं ठीक है वॉट आर द टू वेज फर्स्ट इज नोन एज प्रवृत्ति वॉट इज प्रवृत्ति प्रवृत्ति मीन्स थ्रू योर एक्शन ठीक है यू कैन एडवांस स्पिरिचुअली एडवांस स्पिरिचुअली अपने कर्मों के थ्रू आप एडवांस कर सकते हो एक्शन मतलब कर्म सेकेंड इज नोन एज निवृत्ति वट इज द मीनिंग ऑफ निवृत्ति थ्रू इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन कंटेम्पलेन ठीक है यू कैन एडवांस स्पिरिचुअली ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ध्यान करना पड़ेगा कर्म या तो कर्म से जीवन जियो और स्पिरिचुअली एडवांस करो अपने कर्मों से अच्छे कर्म रखो या ध्यान कंटेम्पलेशन के थ्रू आप स्पिरिचुअली क्या कर सकते हो आगे बढ़ सकते हो ठीक है यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट व्हेन वी टॉक अबाउट यू नो कृष्णाज वे ऑफ थिंकिंग

कुछ बात नहीं बन रही तब सरेंडर करने का समय आता है एंड देन आफ्टर सरेंडर डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट डिटैचमेंट दीज आर द की कंपोनेंट्स टूवर्ड्स लिविंग अ स्पिरिचुअली हेल्दी लाइफ गिवन बाय श्री कृष्णा ऑल्सो तो ये सब एज अ आईएएस ए एस ऑफिसर एज अ सिविल सर्वेंट यू कैन यूटिलाइज इन योर ओन लाइफ इन योर ओन जॉब एंड एज अ स्टूडेंट ऑल्सो यू कैन यूटिलाइज इट इसी से आपके टारगेट्स भी कंप्लीट होंगे और इसी से आपके जो डिस्ट्रैक्शन हैं वो भी खत्म होंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव अहेड नाउ वील स्टडी अबाउट प्लाटो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है देखो प्लाटो और सोक्रेट्स दोनों जो जुड़े हुए हैं ठीक है क्यों जुड़े हुए हैं ये भी समझ लेते हैं किंग्स

जस्टिस इज अ फॉर्म ऑफ हार्मोनी और बैलेंस सोसाइटी में अगर बैलेंस देखना है तो जस्टिस होना चाहिए उस सोसाइटी में गुड एंड ईविल बैलेंस्ड होना चाहिए ठीक है एंड ही यूज टू टॉक अबाउट जस्टिस ऑन टू लेवल्स वन वॉज द सोल लेवल बिकॉज अगर सोल लेवल पे आप जस्टिफाइड तरीके से रह रहे हो यू विल बी एट पीस यू कैन मेक गुड डिसीजन वेन योर सोल इज बैलेंस्ड एंड सेकेंड इज इंडिविजुअल लेवल ओके So, at the soul level, the soul is divided into three parts according to Plato: rational form of soul, spirited, and appetitive. Rational form of your soul seeks truth and wisdom. You rational because you want to Spirited soul seeks honor and courage. That is why it is said, "Na, I am feeling high spirited. I am very. I am of this person is of high spirit because he is always living with courage. And appetitive soul means who is always after the material things. मटीरियल गुड्स फिजिकल प्लेजर के पीछे जो जाता है वो एपिटाइटिव सोल उसकेवी होती है ठीक है एंड ऑन दीज थ्री सोल लेटेन जस्टिस सो इवन इफ यू आर हैविंग एन एपिटाइटिव सोल यू आर रनिंग आफ्टर मटीरियल प्लेजर्स मेक श्योर यू आर लिविंग योर लाइफ विद जस्टिस एंड फेयरनेस ये नहीं की सीकिंग मटीरियल और फिजिकल प्लेजर कैन मेक यू इन जस्ट टुवर्ड्स अदर पीपल नो दैट शुड नॉट हैपन and then on the individual level he used to say that a person should live morally but morals are also divided into four types wisdom valor temperance and justice justice to liya. balance create karna. what is wisdom samaj ko wisdom kehte hai. whatever decision you take it should be based on your prudence the balance between what is right and what is wrong it should be irrespective of what your perception is जो सही है वो सही है Vailer, courage के साथ रहो। अगर कुछ गलत होते हुए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेंस इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेंस ना अ लॉड ऑफ थिंग्स कैन बिकम ईजी टेंस का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल इन आर सोसाइटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड happened? द इन डेली एल्कोहल शॉप वर Self जस्ट टू अर्न रेवेन्यू find the राइट बैलेंस इन योर एक्शन एंड योर डिजायर प्लीज राइट इट डाउन इसको लिख लो ये बहुत अच्छा है सेल्फ कंट्रोल मैं बोलते बोलते कुछ अच्छी बातें बोल जाती हूँ तो लिख लिया करो ठीक है सेल्फ कंट्रोल विल हेल्प यू टू फाइंड द राइट बैलेंस इन योर एक्शन एंड डिजायर ठीक है एंड जस्टिस तो हमने समझ लिया ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है टू एक्सप्लेन टेम्परेंस तो अब आपको पता है टेम्परेंस का मतलब क्या है सो दिस वॉज द फिलोसफी ऑफ प्लाटो अब आगे बढ़ते हैं और जाते हैं जॉन रावल की तरफ

टॉक अबाउट ओनली एथिक्स ही वॉज एन अमेरिकन फिलोसफर तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एथिक्स को पूरा डी कोट किया बट इन एथिक्स ही टॉक्ट जस्टिस. वही जो प्लाटो ने जिसके ऊपर थ्योरी ऑफ जस्टिस वेयर इन ही जस्टिस अगर सोसाइटी में लेकर आनी है इफ वी वॉन्ट टू ब्रिंग जस्टिस इन द सोसाइटी वी नीड टू एड टू कंपोनेंट वी नीड टू रिकनसाइल टू कंपोनेट्स वन इज लिबर्टी एंड अदर इज इक्वालिटी

इन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाया ठीक है कैसे इन प्रिंसिपल्स को आप अडॉप्ट कर सकते हो थ्रू दैट हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही टॉक् अबाउट वेल ऑफ इग्नोरेंस इट इंश्योर्स दैट ऑल द प्लेयर्स और ऑल द पीपल इन द सोशल गेम शुड बी प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल पोजिशन दैट इज नोन एज ओरिजिनल पोजिशन इन दिस पोजिशन एवरी वन ओनली जर्नल नॉलेज अबाउट वॉट एग्जैक्टली इज लाइफ व्हाट एग्जैक्टली सोसाइटी जस्ट जर्नल फैक्ट्स

बट एटलीस्ट दे हैव दी राइट नॉलेज और सेम लेवल ऑफ नॉलेज टू डील भले उनकी जो इनक्वालिटी है रिसोर्सेज वाइज वो ऊपर नीचे है किसी की ज्यादा किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज है किसी के पास कम है बट एटलीस्ट जब दोनों के रैशनल थिंकिंग सेम लेवल पर है तो वो चैलेंजेस को सोसाइटी में ओवरकम कर सकते हैं जस्टिस मेंटेन्ड रहेगा सोसाइटी में बिकॉज दोनों की जो राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है वो सेम है सो यूज टू फोकस ऑन फेयरनेस जुअल शुड बी द इक्वल कैरियर ऑफ सर्टन राइट दैट कैन नॉट बी डिस हर इंडिविजुअल के पास कुछ ऐसे राइट होने ही चाहिए जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते जिनको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते सेम लेवल ऑफ राइट होंगे तो दे कैन मेक मोर प्रूडेंशियल चॉइसिस इन यर लाइफ दैट वॉज दी जस्टिस कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू राउुल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस दैट वॉज द बेसिक premises इन मेनी नेशन टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिक प्रमाइस हमने जॉन रावल की थ्योरी ऑफ जस्टिस का लिया था ठीक है तो देखो जीएस पेपर टू में भी क्लैश हो रहा है ये टॉपिक ऑल राइट चलो नाउ लेट मी गिव यू होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे ठीक है आज का मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ देखो पहला होमवर्क क्वेश्चन तो ये वाला है इसको ध्यान से पढ़ो दिस इज टेकन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट इज the simplest acts of kindness are by far more powerful than a thousand heads bowing in prayer i want all of you this is a 10 marker question pacha's words did page mein iska answer after writing the answer you have to get it evaluated by super kalam and come back here and tell me your scores in the comment section if you want the pdf of the class or the class notes okay second question that i want to give all of you is again it is on